Hey guys, my name is Khushi and today's topic discuss now axillary skeletal system. Skeletal system two part में divide होता है, एक appendicular और एक axillary skeletal system. Axillary skeletal system में including होता है skull, vertebral column और ribcage. Appendicular skeletal system में upper limb और lower limb including होता है. First axillary skeletal system, skull, vertebral column और ribcage. First discuss now skull. Skull divided होता है into four part. Cranium bone, facial bone. एक होता है जो टंग के साइड कनेक्टेड होता है, उसे कहते हैं hyoid bone और fourth ear ossicles. First discuss now skull. Skull में cranial bone. Cranial bone, 8 cranial bone, 1 frontal bone, 2 parietal bone, 1 occipital bone or each side present temporal bone. Okay, discuss now facial bone. So facial bone, 14 facial bone present hote. First mandible, jo lower jaw ka portion hai, 1 mandible, 2 maxilla. मैक्सिला यहाँ से डिवाइड होता है टू पार्ट में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिवाइड हो जाता है. जायगोटिक बोन, ये जो चीक का बोन है ये वाला जायगोटिक बोन, 2 जायगोटिक बोन, 2 लैक्रिमल बोन जो ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, अप साइड 2 लैक्रिमल बोन, 2 नेजल बोन और पैलेटाइन बोन. जो पैलेटाइन बोन होता है वो माउथ यानी कि रूफ ऑफ द माउथ जो आपका आप फील करेंगे कि 2 होता है पैलेटाइन बोन, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. जो आप टंग को टच करेंगे अपसाइड तो आपको हार्ड फीलिंग आएगी, वो होती है हार्ड पैलेट और पीछे के साइड होता है सॉफ्ट पैलेट. तो ये इतने होते हैं आपके फेशियल बोन. और 1 फेशियल बोन यहाँ पे होता है जो हायड बोन है. हायड बोन वो सिर्फ 1 होता है जो टंग के साथ कनेक्टेड होता है. और ईयर ऑसिकल में ये जो टिम्पेनिक ड्रम होती है उससे कनेक्टेड होता है मैलस, ये वाला इंकस और ये जो रेड लाइन से डिवाइडेड किया गया है ये है स्टेपस. स्टेपस कनेक्टेड होता है ओवल शेप विंडो से. ओके, तो स्कल बोन में आपका आएगा क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, हायड बोन और ईयर ऑसिकल. फिर डिस्कस नाउ वर्टिब्रल कॉलम. सर्विक्स, ये वाला जो रीजन है सर्विक्स का, नेक का पार्ट है. तो C7, T12 थोरासिक जो थोराक्स का पार्ट है, L5 लंबर जो बेली का पार्ट है और सैक्रम एंड कॉकिक्स. S5 और C4, जो C4 है वो 4 बोन होते हैं और आपस में आर्टिकुलेट यानी कि जॉइंट हो जाते हैं और 1 बोन बनाते हैं. डिस्कस नाउ रिबकेज. रिबकेज कनेक्टेड होता है स्टर्नम के साथ और 24 रिब होती है. ये जो रिब डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स. ये जो ट्रू रिब्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 1 से लेके 7 तक ट्रू रिब्स आती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्टर्नम के साथ, कनेक्टेड होती है डायरेक्टली और कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में से कनेक्ट होती है. तो ये जो वाला पार्ट है ये है कॉस्टल कार्टिलेज. कॉस्टल कार्टिलेज कनेक्ट करता है स्टर्नम के साथ फॉल्स ट्रू रिब्स को और फिर प्रेजेंट होती है फॉल्स रिप. फॉल्स रिप कनेक्टेड होती है इनडायरेक्टली कॉस्टल कार्टिलेज के साथ. इनडायरेक्टली कॉस्टल कार्टिलेज के साथ प्रेजेंट होती है 8, 9 और 10 फॉल्स रिप होती है और 11 और 12 ये जो आपकी होती है फ्लोटिंग रिप्स, वो कोई भी कनेक्टेड नहीं होती, ये जो फ्लोट करती है ये होती है फ्लोटिंग रिप्स. तो हमने देखा एक्सिलियर स्केलेटल सिस्टम, उसमें स्कल, स्कल डिवाइड होता है क्रेनियम, फेशियल, हायड बोन, ईयर ऑसिकल्स और फिर वर्टिब्रल कॉलम और रिबकेज. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो.